माननीय उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैंने 9 मार्च को सदन में देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद से सदन में काफ़ी जुनून है, जनता में भी बहुत जुनून है, जनता में भी बहुत जोश है इस बात को लेके कि अभी तक जो बजट होते थे वो तरक्की का बजट, प्रगति का बजट, पहली बार सुनने को मिला देशभक्ति का बजट। तो लोगों में भी उत्साह है, सदन में भी उत्साह है। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, सत्ता पक्ष के विधायकों में भी उत्साह है, विपक्ष के विधायकों में भी उत्साह है कि वे देशभक्ति पे बात हुई, प्रभु राम की चर्चा हुई। मुझे भी अच्छा लगा, इस सदन में खूब चर्चा हुई, बजट के बहाने हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक खाका रखा सरकार के काम करने के तरीके का, उसके बहाने हुई, कई साथियों ने बोला। पर अभी तक रामचंद्र जी के ठेकेदार बने हुए लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखना, इस बार जो पार्टी भगवान राम की बात कर रही है ना, वो पार्टी ऐसी नहीं है कि मुंह में राम रखती हो और बगल में छुरी रखे चलती हो आपकी। इस पार्टी के मुंह में भी राम है और दिल में भी राम है और बगल में संविधान है। ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली पार्टी नहीं है। हम जब राम की बात करते हैं तो बगल में छुरी नहीं, संविधान दिखाकर चलते हैं और दिल में राम लेकर चलते हैं, और मुंह में तो है ही। तो इसलिए ध्यान रखना, इस बार वास्ता ऐसी पार्टी से है आपका। अध्यक्ष महोदय, कई बातें हुई। मैं सभी मान्य सदस्यों का बहुत आभार करना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। जिनको अवसर नहीं मिला, मैं निश्चित रूप से जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा उनके भी फीडबैक लगातार लेता रहूँगा। और यहाँ हुई चर्चा में जितने बिंदु उठाए गए, जो सुझाव दिए गए, जाहिर है लोकतंत्र में इस चर्चा का महत्व इसीलिए है क्योंकि जितने बिंदु आए हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें अपने कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा, उनको और मजबूती से लागू करने का अवसर मिलेगा। मैं यहाँ पे देख रहा था कि देशभक्ति पे खूब चर्चा हुई। विपक्ष के साथियों ने भी कहा कि भाई अच्छा लगा देशभक्ति पे बात की। विपक्ष के उस साथियों ने कहा कि अच्छा हुआ आप हमारे राह पे आए, बढ़िया बात है हमारे लिए। तो अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की तरक्की ही देशभक्ति है हमारी। तो हमारे लिए तो दिल्ली वाले की तरक्की ही देशभक्ति है, हर दिल्ली वाले की तरक्की हमारे लिए देशभक्ति है। पहली बार हम अपने बजट में देशभक्ति का इस तरह का पूरा ब्यौरा लेके आए हैं। काम तो उसी पे कर रहे हैं पिछले 6 साल से। लोग कह रहे हैं कि ये देशभक्तों की पार्टी और इनके नेता देशभक्त अरविंद केजरीवाल जी के होते ये विजन संभव था, वरना तो मुश्किल था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विजन में पढ़ना देशभक्ति है और पढ़ाना देशभक्ति है, स्कूल खुलवाना देशभक्ति है, कॉलेज खुलवाना देशभक्ति है, अच्छे सरकारी अस्पताल बनवाना देशभक्ति है, मोहल्ला क्लिनिक बनवाना देशभक्ति है, महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाना देशभक्ति है। अरविंद केजरीवाल जी के मिशन में देश में तिरंगा, दिल्ली में तिरंगा लहराना भी देशभक्ति है और उस तिरंगे के नीचे खड़े हुए एक एक आदमी को मान सम्मान देना भी देशभक्ति है। हर भारतीय को, भारत देश के हर नागरिक को जो तिरंगे के साए में खड़ा है उसको बराबर का मान सम्मान देना हमारे लिए देशभक्ति है, और तिरंगा फहराना भी हमारे लिए देशभक्ति है। किसी को छोटा बड़ा समझना हमारे लिए देशभक्ति नहीं है, सबको बराबर समझना हमारे लिए देशभक्ति है। सबको अच्छा बिजली पानी मिले, सबसे सस्ता बिजली पानी मिले, यह हमारे लिए देशभक्ति है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे लेके जाएं, यह भी हमारे लिए देशभक्ति है। हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, महिलाओं के स्वास्थ्य का सबका ध्यान रखें और दिल्ली की सड़कों को साफ रखें, यह भी हमारे लिए देशभक्ति है। हमारे लिए दिल्ली का व्यापारी फले फूले, यह भी देशभक्ति है। दिल्ली के युवाओं को रोजगार मिले, यह भी हमारे लिए देशभक्ति है। हमारे लिए ये भी देशभक्ति है कि हमारे कलाकारों को सम्मान मिले, और जिन्हें कुदरत ने, जिन्हें कानून, जिन्हें मुख्यमंत्री जी कहते हैं बार बार कि जिनको कुदरत से कम मिला हो उनको कानून ज्यादा दे दे, ये भी हमारे लिए देशभक्ति है। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में चर्चा हुई, मुझे खुशी है कि देशभक्ति के इस विजन पर
हमारे विपक्ष के साथियों ने भी प्रतिक्रियाएं दी। कल इन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा किया हमारे रास्ते पे आए। नहीं नहीं साहब, हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं आपका रास्ता बड़ा खतरनाक है, हम आपके रास्ते पे बहुत खतरनाक रास्ता है, बेहद खतरनाक, देश के लिए खतरनाक रास्ता है। आप देशभक्ति की बात तो करते हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते पे चलते हुए आप देशभक्ति की बात तो करते हो, लेकिन पूरे देश की राजधानी को पिछले 15 साल में आपको चलाने का मौका मिला है, एमसीडी की सत्ता। आप बात तो देशभक्ति की करते हो लेकिन व्यवस्था कूड़ा कूड़ा चलाते हो, हम आपके रास्ते पे नहीं चलना चाहते। पिछले 15 साल में दिल्ली में जितना कूड़ा फैलाया है हम उस रास्ते पे नहीं चलना चाहते। हमको दिल्ली की जनता ने जिस काम को करने के मौका लिया है हम उसमें ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ये हमारी देशभक्ति, हम कूड़ा फैलाने की देशभक्ति नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, ये बात तो देशभक्ति की करते हैं लेकिन पिछले 15 साल में दिल्ली नगर निगम में एक भी नगर निगम का ऐसा स्कूल नहीं है, एक भी, जिसके बारे में ये दावे से कह सकें कि हमारे नगर निगम के फलाने स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा दूसरी क्लास की भी टेक्स्ट बुक ठीक से पढ़ सकता है। यह इनकी देशभक्ति है। 5वीं क्लास के बच्चे को 5 साल खा जाते हैं एक बच्चे का, और 5वीं क्लास में जब बच्चा पढ़ने पढ़ते पहुंचता है प्रमोट होके तो उसको दूसरी क्लास की टेक्स्ट बुक नहीं आती। ये आपका रास्ता है, ये आपको मुबारक हो, हमें ये रास्ता नहीं चाहिए। हमारी देशभक्ति ऐसी है, हम बिल्कुल ऐसी देशभक्ति नहीं करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी देशभक्ति तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने की देशभक्ति है। हमारी देशभक्ति तो इस बात की देशभक्ति है, हम तो उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जिसमें देश के एक एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। सारे नेता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, गरीब बच्चे को नगर निगम में पढ़ाते हैं और कहते हैं इनका क्या, ये तो पढ़ जाएंगे तो सवाल पूछने लगेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा इनका रास्ता ये, हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था आप देशभक्ति की बात करते हो, आप सिर्फ बात करते हो, उस भारत माता का एक बेटा जिसके भारत माता की जय आप कह के कहते हो कि हम देशभक्त हैं, जोर से जब भारत माता की जय का नारा लगा के आप कहते हो हम देशभक्त हो गए हैं, उस भारत माता का बेटा किसान अगर आपसे दिल्ली की सत्ता में कुछ कहने आता है तो आप उसको दिल्ली की सत्ता में पहुंचने से पहले बॉर्डर पे कीले ठुकवा देते हो उसके रास्ते में और कहते हो हम देशभक्त हैं। आप किसानों का रास्ता रोकने के लिए नुकीली ऐसी कीले खड़ा कर उसके फोटो खिंचवा के दहशत फैलाते हो। ऐसे लगता है जैसे किसान मिलने नहीं आ रहा है, दुश्मन देश चढ़ाई करने आ रहा है। आप किसानों से मिलने से रुकने के लिए, किसानों से सवालों से बचने के लिए उनके रास्ते में कीले ठुकवाते हो और आप कहते हो देशभक्त हो। आपको ऐसा रास्ता मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए ऐसा रास्ता। आपने कहा, आप अपने शब्दों को करेक्ट कर लीजिएगा, हम आपके रास्ते पर नहीं आ रहे। हमको नहीं चाहिए कि किसान को देशद्रोही कहा जाए। जिस किसान का बेटा बॉर्डर पे जवान बन के बैठा हुआ है, आप देशभक्ति की बात तो करते हैं, ये कहते तो हैं कि मोदी जी फौजी की ड्रेस पहन के पहुंच गए थे तो चीन पीछे हट गया, मोदी जी ने ये कर दिया था, मोदी जी ने वो कर दिया था, कहते तो हैं। उस जवान की शहादत का, उस जवान की बहादुरी का क्रेडिट तो लेते हैं लेकिन वो बेटा, उस किसान का वो जवान बेटा अगर खड़ा होके वर्दी पहन के ये कह दे कि मुझे फौज में जो दाल मिल रही है उस दाल में पानी ज्यादा है और दाल कम है, उसे पागल करार दे देते हैं और उसको नौकरी से निकाल देते हैं ये लोग, ऐसी देशभक्ति आपको मुबारक हो, हमें और हमारे देश को ऐसी देशभक्ति नहीं चाहिए। देशभक्त कहते हैं अपने आप को, जवानों के काम का क्रेडिट लेते हुए शर्म नहीं आती। जिस जवान ने यह कहा कि मुझे दाल नहीं मिल रही है, दाल के बदले पीने का पानी मिल रहा है, उसको पागल करार दे दिया इन लोगों ने और उसको नौकरी से निकाल दिया इन लोगों ने, उसका क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं हमारी राह पे चल रहे हो। ऐसी राह मुबारक हो जहां हम अपने जवानों को पागल कहते हो। अगर वो हमारा जवान खाना खाने को मांगे और कहे दाल तो ठीक से दे दो यार, ऐसी आपको मुबारक हो, हमको वो रास्ता नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप देशभक्ति की बात करते हो, आपको जहां भी बैठिए विजेंद्र गुप्ता जी बैठो, आपको जहां भी पूरे देश में, अध्यक्ष महोदय
इन मिलावटी देशभक्तों को जहां भी सरकार चलाने का मौका मिला है, जिस राज्य में भी सरकार चलाने का मौका मिला है, इन्होंने बिजली कंपनियों से पैसा खा खा के वहां के आम आदमी के बिल इतने महंगे कर दिए हैं कि वो खून के आंसू रोने पे मजबूर है। इसको ये अपना रास्ता कहते हैं, इसको इनकी देशभक्ति है। आज हम जिस बात की बात कर रहे हैं, हमारा रास्ता ये है कि दिल्ली के हर आदमी को, वो चाहे कितना भी गरीब हो, उसके घर में कम से कम एक चिराग तो रोशन हो सके, एक बल्ब तो जल सके, ये हमारी देशभक्ति है। एक आदमी अपने घर में बल्ब जलाने के लिए 2-2 हजार 4-4 हजार रुपए का मासिक बिल चुकाए, ये आपका रास्ता है, आपको मुबारक हो। हमको नहीं चाहिए ये रास्ता, हम नहीं चलेंगे इस रास्ते। अध्यक्ष महोदय, बड़ी देशभक्ति की बात करते हैं, हमें तो खुशी है। अरे आप भी देशभक्ति करो, हम भी देशभक्ति की बात करें। कांग्रेस महाभेत्ता में बैठी है, बंगाल में जो पार्टी बैठी है, सारे देशभक्ति की बात करें, देश का कल्याण होगा, लेकिन कम से कम देशभक्ति की बात तो करो। देशभक्ति का मतलब क्या हुआ उसको तो बात करो। आप नारे जोर से लगाते हो और बगल में छुरी रखते हो और अपने आप को देशभक्त कहते हो। रुक जाइए दीदी, अपने आप रुकने बैठ लगी, आपसे चिंता मत करो, सक्षम है, खेला कर देगी वो। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए, ठीक, बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, ये एक मिनट, राखी। अरे हार गए तुम लोग, तुम्हारे यहाँ सूत्र साफ है, कहाँ की बात कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ सूत्र साफ। अध्यक्ष महोदय, क्या कर रहे हैं? सूत्र साफ कर दिया आज बात। अध्यक्ष महोदय, राखी। अरे मुझे पाकिस्तानी बोला गया, मुझे पाकिस्तानी बोला गया। अध्यक्ष महोदय, आप लोग तो मुझे भी बोला गया। क्या देशभक्ति की बात करेंगे? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, राखी नहीं छोड़ दीजिए, लड़ लेंगे अपने आप। अध्यक्ष महोदय, अच्छी तरह से जानते हैं ये अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा को देशभक्ति कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम अपने बच्चों को, अध्यक्ष महोदय, बैठिए, अध्यक्ष महोदय, गलत है, बैठिए प्लीज, आज आप भी बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, हम तुमसे, अध्यक्ष महोदय, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और अच्छी शिक्षा देने वालों को, अरे भागते क्यों हो बेटो, भागते क्यों हो गया, भागते क्यों, तभी मैंने कहा था। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने कहा था कि इस बार इनका मुकाबला उनसे नहीं है जो मुंह में राम और बगल में छुरी लेके घूमते हैं, इस बार उनका मुकाबला उनसे है जो मुंह में भी राम रखते हैं और दिल में भी राम रखते हैं। टिक नहीं पाएंगे उनके सामने, टिक नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, ये बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, ये तो फिर क्या करते हैं, शिक्षा पे बात ही नहीं करते। हम कहते हैं कि शिक्षा देना देशभक्ति है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले टीचर्स का सम्मान देना हमारे लिए देशभक्ति है। हम अपने अच्छे टीचर्स को देश और दुनिया की बढ़िया ट्रेनिंग कराते हैं, फिनलैंड भेजते हैं उनको, हार्वर्ड भेजते हैं उनको, कैम्ब्रिज भेज के उनको प्रशिक्षण दिलाते हैं। हमारा रास्ता, ये कहते हैं ना हमारे रास्ते पर आ गए, हमारा रास्ता शिक्षकों की मजबूती का रास्ता है और इनका रास्ता शिक्षकों की मजबूरी का रास्ता है। आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एक दिन 8 बजे बरेली पहुंचना था, मैंने खबर पढ़ी, 8 बजे उनको बरेली पहुंचना था, तो उत्तर प्रदेश में बरेली जनपद के शिक्षकों के नाम फरमान जारी किया गया
उसमें महिला शिक्षकें भी थीं, कि 4 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच जाना, माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत में रंगोली बनानी है, और जो नहीं पहुंचेगा वो अक्षम्य होगा। देशभक्ति अपने टीचर्स को, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स को हार्वर्ड में ट्रेनिंग दिलवाने में है, कैम्ब्रिज में ट्रेनिंग दिलवाने में है, IIM में ट्रेनिंग दिलवाने में है, उनको माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत में, अरे बुला लीजिए, कोई ऐसा नहीं है, टीचर्स को रंगोली भी करता है। लेकिन ये लिखना, अगर आप समय पर नहीं पहुंचे, 8 बजे मुख्यमंत्री जी आएंगे, आप 4 बजे नहीं पहुंचे, तो अक्षम्य होगा। टीचर्स के अपमान में आपका रास्ता है, टीचर्स के सम्मान में हमारा रास्ता है, हम आपके रास्ते पर नहीं चलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी उत्तर प्रदेश में मैंने शिक्षा के लिए लिखा था, उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार लिखता है, वो जाता है किसी गांव में, वहां मिड डे मील की जगह रोटी, सूखी रोटी और उस पर नमक लगा के बांटा जा रहा था मिड डे मील की जगह। इनकी देशभक्ति, इनका रास्ता यह है कि उस पत्रकार को 1.5 महीने जेल में डाल के रखा इन्होंने, 1.5 महीने तक। ऐसा रास्ता हमको नहीं चाहिए, हम नहीं चलेंगे, मर जाएंगे लेकिन ऐसे रास्ते पे नहीं चलेंगे कि बच्चे के मिड डे मील का पैसा खा जाएं और बच्चों को सूखी रोटी और नून लगा के दें, मर जाएंगे लेकिन ये नहीं करेंगे, ये नहीं चलेंगे इस पे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इनका जो रास्ता है उस पर ये नारे जोर से लगा लेते हैं, ये बातें जोर से कर लेते हैं, जब सवाल सुनने की बात आए तो वॉकआउट भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इनका जो रास्ता है उस पर चल के ज्यादा से ज्यादा, जैसे ये सत्ता में पहुंच गए, कहीं जगह सत्ता तक पहुंचा जा सकता है, भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों तक नहीं पहुंचा जा सकता। जिस तरह की नारेबाजी कर करके, मिलावटी देशभक्ति कर करके, खोखली देशभक्ति कर करके ये सत्ता तक पहुंच सकते हैं, गांधी और सुभाष के सपनों तक नहीं पहुंच सकते हैं। अध्यक्ष, उन सपनों तक पहुंचना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है। मैं बस आखिर में ये बात कह के बात खत्म करूंगा कि एक बार सत्येंद्र जी और हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने दोनों ने अपने बारे में कॉमन पाया, आप सब लोग भी याद करिएगा, कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय हमें बताया जाता था 3 तरह के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। हिंदी मीडियम में पढ़ा था इसलिए हिंदी मीडियम के शब्द यूज कर रहा हूं। हमें कहा जाता था 3 तरह के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश। भारत विकासशील देश है। हम लोग पूछते थे, भाई अब भारत विकासशील देश है तो विकसित कितने दिन में बनेगा, बोले 10 साल की बात है, 8-10 साल की, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, हो जाएगा, बस 8-10 साल में हो जाएगा। हमें बड़ी लगता था अच्छा है, जब तक हाई स्कूल या उससे नीचे क्लासेस में पढ़ते थे हमें लगता था इंटर करेंगे, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करेंगे, तब तक तो हो ही लेगा, थोड़ा बहुत तो हो ही लेगा, नौकरी मिलेगी विकसित देश में कम से कम। अध्यक्ष महोदय, आज मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी किताब में मैंने खोल के देखा, उसमें भी लिखा हुआ है 3 तरह के देश होते हैं, विकसित देश, अविकसित देश, विकासशील देश, और अभी भी भारत विकासशील देश में, विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आया। और मैं आज कह रहा हूँ इस सदन में, रिकॉर्ड में रहे ये बात, कि भारत तब तक विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकता जब तक मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि दिल्ली के, देश के हर एक बच्चे को, गरीब से गरीब आदमी के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, भारत विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकता। ये कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो, हाँ जी सपने तो देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, हमारे सपनों में दम है, हमें अपनी नियत पे भरोसा है, आपको अपनी नियत पे भरोसा नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है, आपके पास कोई विजन नहीं है, हमारे पास विजन है, वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है। हमने, हमें अपनी शिक्षा पे भरोसा है, हमें पता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। 2000 आज जो बच्चा, किस बच्चे की बात की मैंने 2047 में, आज जो बच्चा पैदा हो रहा है 25 साल बाद कहीं ग्रेजुएशन में खड़ा होगा, पहली नौकरी दूसरी नौकरी कर रहा होगा ग्रेजुएशन के बाद में, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ, उस बच्चे को इतनी शानदार शिक्षा देंगे, इतनी शानदार शिक्षा देंगे कि 2047 तक, तब तो 25 साल का बनकर खड़ा होगा, उसकी इनकम सिंगापुर में बैठे हुए उसके काउंटर पार्ट की इनकम के बराबर होगी, उसके एवरेज इनकम होगी। आपको शिक्षा पर भरोसा नहीं है, आपको कभी भी शिक्षा पर भरोसा नहीं रहा, आज कौन सा होगा, इनको शिक्षा पर कभी भरोसा नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, ये हंस इसलिए रहे क्योंकि इनकी नियत में खोट है, इनको अपने कर्मों में खोट है और इनको शिक्षा पर भरोसा नहीं है। हमको अपने ऊपर आत्मविश्वास है, हम आत्मविश्वास से मुस्कुरा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें भरोसा है, हमारी नीयत साफ है, हमारी लीडरशिप की नीयत साफ है, हमें शिक्षा पर भरोसा है और हमें कर्मों पर भरोसा है, इसलिए हमने जो कुछ इस बजट में कहा है हम उसको हासिल करके रहेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है खुद से, ये हमारा संकल्प है अपने आप से, और हम भारत को वहां लेके जाना चाहते हैं, देश को वहां लेके जाना चाहते हैं। फिर से अपने सपने को डिकोड करके आखिर में एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा कि एक ऐसे देश का सपना देखते हैं जहां अभी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं जिन परिवारों में बच्चे हैं, ग्रेजुएशन स्कूल में हैं, उन परिवारों में एक सपना पलता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए
तो ग्रेजुएशन करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए उसको अमेरिका यूरोप के फलाने यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, फलाने कॉलेज में भेजेंगे। आज मैं कहता हूँ ये सदन बैठ के सपना देखे कि हम शिक्षा को और देश को वहाँ ला के खड़ा करें कि अमेरिका और यूरोप और जापान जैसे देशों में उनकी फैमिलीज में ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा हो रही हो, हमारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ी सी मेहनत लग जाए और थोड़ी कोई फेलोशिप मिल जाए तो दिल्ली की फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजेंगे हम अपने बच्चे। ये सपना सच कर लीजिए, बाकी सारे सपने अपने आप सच हो जाएंगे, एक बार एक चीज़ भी नहीं लगेगी। और शिक्षा पिछले 5 साल में काम किया है, स्वास्थ्य पिछले 5 साल में काम किया है, लोगों के जीवन पे पिछले 5-6 साल में काम किया है। हमारा पूरा भरोसा है कि जितनी बातें इस बजट में कही गई हैं और जितनी बातें माननीय सदस्यों ने यहाँ कहीं, जितने आइडियाज़ यहाँ पे दिए, उन सबको समाहित करके निश्चित रूप से 1 साल के अंदर अंदर अगले साल जब यहाँ बैठेंगे तो इन तमाम चीज़ों के सिर्फ सपने नहीं, अगली सीढ़ी पर आके बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद।